हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपके सामने जो सिक्किम प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ वो आपके उर्दू से रिलेटेड रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, आपको अपने सब्जेक्ट पर एक एक जो है सिक्किम का प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, और जो सिक्किम का प्रोजेक्ट होगा जो आप स्कूल में अपना सबमिट करवाएंगे उसी के बेस पर आपके टीचर्स आपको मार्क्स देंगे। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। अगर आपके टीचर ने कोई पार्टिकुलर टॉपिक बोला है तो फिर आपको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके टीचर ने ठीक है बोला है कि आप उर्दू पर बना के ले जाइए, हिंदी पर, संस्कृत पर, जो भी आपके सब्जेक्ट है, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो नजर आ जाएंगी आपके अलग अलग सब्जेक्ट पे, हिंदी पर, इंग्लिश पर, मैथ्स पर, एसएसटी पर। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मैंने प्रिपेयर कर रखी है, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम में एक चैनल भी मैंने बनाया जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, एसी स्टार्टर। तो उसमें जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी जो है वीडियोस भी दिख जाएंगी जिनमें बच्चों ने मतलब अलग अलग तरीके से बना रखा है, ठीक है। आज की जो वीडियो है वो उर्दू से रिलेटेड रहेगी, और अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती चैनल में जाकर आप प्ले लिस्ट देखेंगे तब भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, मैं आपको प्ले लिस्ट सेंड कर दूंगा। फिर प्ले लिस्ट जब आप ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगे, फिर आप आराम से इसमें देख लेना कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, हिंदी की चाहिए, इंग्लिश की चाहिए, मैथ्स की, एसएसटी की, साइंस की, जो भी आपको चाहिए होगी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये जो वीडियो है जो भी मैं बना रहा हूँ केवल एक गाइडेंस के लिए दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको कॉपी पेस्ट करो। आपको अगर इसमें से समझ में आता है, आपके लिए वैल्यूएबल रहता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्किम का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताया गया, मतलब परिचय दिया गया है सिक्किम का, फिर समाज कैसा, उसकी संस्कृति कैसी वो बताया गया है, फिर आपको त्योहार बताया गया इसमें, फिर पोशाक है, ये इस वीडियो में क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया, फिर खाना बताया गया है, भाषाएं बताई गई है, और सिक्किम का इतिहास दिया गया है, ठीक है। अगर आपके टीचर ये कहते हैं कि आप सिक्किम से रिलेटेड बना के लाओ तो आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने जो लिखा है जरूरी नहीं है कि आप एड्रेस लिखें, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। केवल मैं बार बार कह रहा हूँ कि केवल एक गाइडेंस है ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपको एक आइडिया मिल सके कि आखिर आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर कैसे करना है। प्रोजेक्ट के अंदर देखो क्रिएटिविटी जरूर होती है, आपको पिक्चर्स भी अच्छे से लगानी पड़ेंगी और जितना हो सके उसे डेकोरेट करना, ठीक है। अगर आप 10th के 12th के तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपके मार्क्स एक एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो सीबीएसई तो वो सेंड करने ही करने है ना आपके टीचर्स को। तो और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहेगी, तो आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको अपना जो है नेम वगैरह, ये पेड़ का डिजाइन है, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं, आपका नाम क्या, आपका रोल नंबर क्या है, ठीक है। आपने उर्दू लिया तो आपको उर्दू आती होगी, आप ये पढ़ लेना, ठीक है। बाकी अगर आपको मिस्टेक पाते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि और बच्चों को नुकसान ना हो। बाकी काफी चेक करवा लिया गया बच्चों से, ठीक है, और बड़ों से कि भाई इसमें कोई मिस्टेक ना रहा, फिर भी इंसान है थोड़ी बहुत हो जाती है, तो उसके लिए आपसे मैं एडवाइस मतलब कह रहा हूँ कि प्लीज अगर कोई पाते हैं तो कमी तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि और बच्चों का नुकसान ना हो, ठीक है। तो आप पेजेस लाइन वाइज देख सकते हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपके लिए वीडियो वैल्यूएबल है और आपके काम आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन है उसको काला कर दीजिए, ठीक है, और जीवन में हरियाली ला दीजिए, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा मुझे बेनिफिट होगा और आपको भी होगा, ठीक है, सपोर्ट कीजिए प्लीज। और नई ऐसी मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन जरूर लेकर आऊंगा, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो प्लीज आप उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो देखो पिक्चर्स आप जरूर लगाइए, ठीक है, पिक्चर देखो सिक्किम की जरूर लगाना, ठीक है, पूरे इंडिया के मैप को दिखा देना, फिर इसको बड़ा करके दिखा देना, आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आप निकलवा सकते हैं, है ना, और पिक्चर्स अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये जरूर नहीं आपको एडिटिस नोट करना है, आप इसमें से थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, हेल्प के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आप पिक्चर देख लीजिए किस प्रकार से कौन कौन सी पिक्चर है, जो जो टॉपिक लिखा है उससे रिलेटेड फिर पिक्चर्स लगाई गई हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरी आपसे एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट है प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत से लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इससे एक सपोर्ट हो जाता है कुछ नहीं है, ठीक है, काफी वैल्यूबल होगा, मोटिवेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज लाइक भी कीजिए, इससे पता लग रहा है हाँ भाई इस वीडियो में जान है, इस वीडियो में वैल्यू है, ठीक है, इससे कदर होगी प्लीज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कौन कौन से यहाँ पर, ठीक है, ड्रेसेस आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो आगे देख लेते हैं,
तो ये उसके बाद ये वाला पेजेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आप आराम से पढ़ लेना, इसमें से कर लेना, ठीक है। और बाकी मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए वैल्यूबल रहेगी। अब एक एक लाइन पढ़ तो नहीं सकता, ठीक है, और ठीक है आप बस जो है देख लेना, अच्छे से समझ लेना और फिर करना। फिर फूड वगैरह आप देख लीजिए, ठीक है, आपको फूड भी वगैरह दिखाई दे जाएगा, ठीक है, कौन कौन सा फूड है, क्या क्या है, सब कुछ आपको यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। तो सारे फूड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और कोशिश की गई है कि आपको इजीली आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और प्लीज सपोर्ट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। आपको कोई भी वीडियो अगर नहीं मिलती तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं और भी बहुत सारा काम चल रहा है, मैंने गृह विज्ञान की, हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोज बना रखी है, छोटी क्लास के तो आप कम नोट कर लेना, बड़ी क्लास के तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जो सिंबल है लैंग्वेज के, ये सारे के सारे यहाँ यूज किए गए हैं, ये आप सोर्सेज से निकाल के अपने फाइल में अच्छे से लगा देना, डेकोरेटिव जरूर करना। और बाकी मैं वर्कशीट भी बनाता रहता हूँ, तो आप देख सकते हैं चैनल में जाके बहुत सारी वर्कशीट भी मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी मेरा काम जो है सिक्किम के ऊपर हो रहा है, और मैंने उस पर काम बंद किया हुआ है, ठीक है। तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। तो इस तरीके से ये आज का लास्ट पेज है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूबल रही होगी। इसी के साथ अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, और आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।